हेलो दोस्तों, आज हम इसे शेपिंग देने वाले हैं क्लियरली, जो कि हमने सिर्फ आउटलाइन ही बनाया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे इजी वे में एक चूज़ करने जा रहा हूँ कि जितने भी हमने अलग अलग शेप्स क्रिएट किए हुए हैं, इसे हम अटैच कर देंगे ताकि एक ही में ये जो है हम वर्क कर सकें, ताकि बार बार हमें दूसरे शेप्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर मैं अटैच मल्टीपल पे जा रहा हूँ और जितने भी लाइंस हैं वो सारे लाइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और सारे लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद अटैच, तो ये जो है हमारा अब सिंगल एक फेस क्रिएट हो गया है। तो अब हम जो हमने इमेज हाइड किया था, अनहाइड ऑल कर देंगे और यहाँ पर आकर हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, सारे वर्टाइसेस सिलेक्ट करके राइट क्लिक बेजियर कॉर्नर कर रहा हूँ। ओके, फिर बाद में जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम इसे निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि ये कॉर्नर है, कॉर्नर में तो ज़रूरी है, और जहाँ पे कॉर्नर नहीं है वहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे कुछ जगहों में क्या होगा कि हमें बेजियर कॉर्नर की जगह सिंपल बेजियर की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो यहाँ पर बेजियर कर सकते हैं हम। ओके, बेजियर। ओके, और जिस जगह में ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम बेजियर को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, और F8 करके शेपिंग भी दे सकते हैं। वैसे तो हमने ये जो बनाया हुआ है ये एक तरफ से तो सही है, बट अगर डिटेल में वर्क करना चाहते हैं तो इसे एक एक जगह पे जाके हमें थोड़ा सा चेंजेस जो है करना ज़रूरी है। ये सारे जो वर्टाइसेस हैं मैं इसे बेजियर कर दे रहा हूँ। ओके, कुछ जगहों पे डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो वर्टाइसेस को डिलीट कर सकते हैं। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जगहों पर ही हम इसे एडिट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों में हमें थोड़ा सा सही जैसा लग रहा है, तो मैं रफली करके वहाँ से निकल रहा हूँ। ओके, ओके, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि करेक्शन करने की ज़रूरत है बस उसी जगह पे कर रहा हूँ, बाकी मैं जाने दे रहा हूँ।
क्योंकि जस्ट मुझे सिर्फ इसका बेस जो है वही समझाना था कि हम इसे बाद में एडिट करके हमारे हिसाब से शेपिंग कर सकते हैं। ओके यहाँ पर एक क्रिएट लाइन करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से। क्रिएट लाइन यहाँ पर भी कर देते हैं। से कॉर्नर करता हूँ। ओके, बस कुछ ही जगहों पे हमें थोड़े से शेपिंग को करेक्शन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ काफ़ी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम शेप में क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो शेप हमें चाहिए वो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमने मेजरमेंट कम रखा है, फॉर एग्जांपल इसे हम 2 से 3 इंच का रख रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्क्रीन पे वर्क करते हैं तो इसे आउटलाइंस में कॉर्नर्स वगैरह थोड़े से हमें लगते हैं कि ये सही नहीं है, बट मोस्टली छोटे साइज़ों में थोड़े बहुत जो शेपिंग्स होते हैं, लाइनिंग्स परफेक्ट ना भी हो तो भी एज ए प्रोपोर्शन बेस में वो सेट हो जाते हैं। अगर कोई फोटोशॉप एक्सपर्ट है तो वो इजीली इसे जल्द से जल्द बना सकता है, क्योंकि पेन टूल के यूज़ जैसा ही है, कुछ इसमें टफ नहीं है। ओके, कव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे जो डिटेलिंग्स है इसमें मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब रैंडमली हम सेट कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, इसमें एक और ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल के हम
इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं इतने को। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स है, बट इसमें मैं अगर स्मूथ का यूज़ करूँ तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह ऑलमोस्ट स्मूथ हो गए। ओके, तो इस तरीके से तो काफ़ी ऐसे वर्टाइसेस है, अगर हम इसे जस्ट खाली सिलेक्ट करके स्मूथ कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के सारे पार्ट्स जो है, कुछ कॉर्नर्स को अगर हम छोड़ दें तो उसे हम इजीली स्मूथ करके फिनिश अप कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कुछ इतना को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक और स्मूथ कर रहा हूँ। ओके, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी जगह में रेंडमली जो है स्मूथ रेंडमली हो गया है, तो यहाँ पर हमें उतना डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इमेज को जो है प्लेन को हाइड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है, और अगर हम चाहें तो यहाँ के भी, जैसे यहाँ पर स्मूथ किया हुआ है, अगर यहाँ पे करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक के ऊपर का हमें पॉइंटेड ही रहने देना अच्छा होगा, तो भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो ये भी है, तो बेटर के मैं जैसा है यहाँ पे ऐसे ही रहने दूँ एज इट इज़, और इसे मैं सिंपली एक्सट्रूड दे रहा हूँ। ओके, तो एक्सट्रूड का वैल्यू हम दे देते हैं समथिंग 0.5 देता हूँ, 0.5 भी ज़्यादा है, 0.1 और 2 हम दे सकते हैं। ओके, तो ये जो है शेप है। अब इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं ब्लैक पार्ट्स जो है हमारे एक्सट्रूड हो गए हैं, और जो सॉरी ब्लैक पार्ट्स जो है एक्सट्रूडेड है। तो अब हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के हमें कुछ इसमें राउंडनेस चाहिए कुछ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलिप्स लूँ, और इस इलिप्स को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ समथिंग लाइक दिस। इसे मैं आउटलाइन भी दे सकता हूँ, ओके समथिंग कुछ ऐसा थोड़ा इफेक्टिव जो अच्छा दिखे। ओके, और इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखेगा, और इसके साथ ही हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो बॉटम सेगमेंट है सॉरी आउटलाइन जो है, इसका मैं एक कॉपी रख रहा हूँ बॉटम के साइड, और इसे मैं डिटैच करता हूँ। ओके, अब इस शेप को मैं फिर से ऊपर भी लेके रखना चाहूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ नीचे ही रह के भी हम शेप कर सकते हैं, एस पी लाइन और 0। ओके, और इसका कलर चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं, और इसमें एक एक्सट्रूड वैल्यू देंगे। ओके, अब दोनों लेवल जो है सेम है, बट जो हमारा दूसरा शेप है, ओके, जो कि हमारा शेप यानी कि लाइन 1 शेप है, इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे 0.05 समथिंग। ओके, तो ये कुछ सॉलिड वर्क के ऊपर एक अच्छा लुकआउट आएगा। ओके, यहाँ पे एडेप्टिव रखता हूँ, ओके, और जो बॉटम का जो शेप है इसमें भी एडेप्टिव। ओके,
तो ये एक बेसिकली हम देख सकते हैं कि कोई एक अच्छा सा आर्टवर्क हम बोल सकते हैं, जैसे कि अगर इसे हम पेंडेंट के रूप में यूज़ करना चाहें तो एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इस सर्कल को हम प्लेस कर सकते हैं, इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो क्या होगा कि एक होल जैसा जो है क्रिएट हो जाएगा। तो इजीली हम इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं एक सिंपल सा एक मटेरियल दे रहा हूँ और कोई एक कलर देता हूँ, नॉर्मल सा जो यूनिवर्सल कलर हो। अब हम इसे रेंडर करके देखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जो है शेप आ रहा है। अगर मैं इसमें वीरे मटेरियल दे दूँ, जो मेरे पास रेडीमेड प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, और इसमें मटेरियल भी मैं वीरे का दे दूँ, तो लुक जो है काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं स्किन कलर ही रखता हूँ। तो थोड़ा सा मैं एक्सपोजर्स बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा एक फाइनल इमेज जो है क्रिएट होने जा रहा है। तो इसी तरीके से हम काफ़ी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं एज ए पेंडेंट, या फिर एक कॉइन बेस में, या फिर कोई भी एक ऐसे आर्टवर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वर्क अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक आर्टवर्क के साथ। इसे पहले रेंडर हो जाने देते हैं, फिर मैं क्लोज करता हूँ। ओके, 1 मिनट समथिंग लेगा। ये जो छोटे छोटे डिटेलिंग्स हमने किए थे, उसे भी हम देख सकते हैं किस तरीके से ये अलग होके एक अच्छा लुक आता है इसमें। ये जस्ट हमने थोड़ा रफ वर्क भी किया हुआ है, अगर हम और भी परफेक्ट डिटेलिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। कलर बैलेंस भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कलर अच्छा लगे। समथिंग कुछ ऐसा। इसे मैं प्रिफर नहीं करता, फोटोशॉप में हम इमेज एडिट कर सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल वर्क। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।